students students of class 9th till now we have completed our syllabus from uh, both the books that is beehive and in beehive we have done the fun they had the road not taken and the sound of music and uh, from the book moments in that we have done the lost child so after completing our syllabus from those books and which are part of section c now we are moving towards section b in section b the topic which comes is grammar and composition so grammar may uh, determiners tenses models active and passive narration etc comes and in composition we'll see that also so today we are going to start determiners and determiners is a very big topic so in determiners

डिटर्मिन आर कॉल्ड आर्टिकल्स यानी आर्टिकल्स क्या होते हैं जो डिटर्मिनर्स ए एन और द हैं वो हमारे आर्टिकल्स कहलाते हैं ठीक है क्लियर है सभी को कि जो डिटर्मिनर्स ए एन एंड द हैं वो आपके आर्टिकल्स कहलाते हैं नाउ द क्वेश्चन अराइज की ये डिटर्मिनर्स खुद क्या होते हैं होते क्या एक्चुअली डिटर्मिनर्स ना लेट मी टेल यू डिमिनर्स आर यूज बिफोर नाउन्स टू इंडिकेट विच पर्टिकुलर पर्सन और डिटोमिन वो हमेशा क्या होता है नाउन्स से पहले यूज होते हैं किस लिए यूज होते हैं ये इंडिकेट करने के लिए यूज होते हैं कि, कि किस पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को हम रेफर कर रहे हैं तो इसे इस डेफिनेशन से कि डिटॉमिनर्स आर यूज बिफोर नाउन्स टू इंडिकेट विच पर्टिकुलर पर्सन और इस डेफिनेशन से ये क्लियर हो जाता है कि हमेशा नाउन से पहले जो भी आएगा नाउन से पहले जो भी वर्ड आ रहा है मोस्ट प्रोबेबली वो क्या होगा डिटोमिनर होगा तो डिटॉमिनर हमारे बहुत तरह के होते हैं पहला तो हो जाता है हमारा आर्टिकल्स ही आर्टिकल्स में हमारे तीन चीजें आती हैं ए एन और द आते हैं उसके बाद आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव ठीक है डिमॉन्स्ट्रेटिव कैसे होते हैं uh, क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव जो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जिनका यूज किया जाता है जिसको इंडिकेट करने के लिए जिनका यूज किया जाता है जैसे दिस दैट दीज ये कैसे नाउन से पहले आते हैं जैसे दिस बॉय इज वेरी स्मार्ट तो दिस हमारा क्या हो गया दिस हमारा जब नाउन से पहले आ रहा है तो ये डिटर्मिनर हो जाएगा क्लियर है सभी को डिटर्मिनर होगा कि नहीं होगा जो भी हमारा नाउन से पहले आएगा जो वर्ड Most probably, कई बार ऐसा होता है कि आपका नाउन से पहले uh, adverb या adjective आ जाता है बट मोस्ट प्रोबेबली वर्ड आता है वो क्या क्या होता है Determiner ही होते हैं. जैसे possessives, possessives भी क्या है? आपके होते हैं हैं जैसे भी आपके में कौन कौन से वर्ड्स आएंगे माई योर हिज है ना अब इसका कैसे यूज होता है दिस इज माई बुक बुक है क्या है आपका बुक नाउन है इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट बुक आपका क्या है नाउन है अगर आपने ये सेंटेंस बोला कि दिस इज तो माई बुक तो माय क्या हुआ बुक से पहले आया तो आपका डिटर्मिनर हुआ किस तरह का डिटर्मिनर है? है उसी तरह से आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होते हैं ये कौन से डिटर्मिनर होते हैं ईदर नीदर ईच एवरी अब क्या है ईच बॉय वॉज स्टडींग वेल हर बच्चा अच्छे से पढ़ रहा था तो बॉय क्या है आपका नाउन Noun है नाउन से पहले क्या आया ईच तो ईच क्या होगा आपका डिटर्मिनर होगा मैंने सेंटेंस क्या बोला ईच बॉय वॉज स्टडींग वेल ठीक है इसी तरह से आपका क्वॉंटिफायर आते हैं ना जिनके जिनको हम क्वॉंटिटी मेंशन करने के लिए करते हैं तो अगर आप बोलोगे इनके इसमें वर्ड्स कौन कौन से आते हैं जैसे सम आ सकता है इनी आ सकता है मच आ सकता है मिनी आ सकता है सेवरल हो सकता है ठीक है तो इन केस अगर मैं कोई रैंडम एग्जांपल दू तो मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास जस्ट अ रैंडम एग्जांपल मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास ठीक है तो स्टूडेंट्स क्या है आपका नाउन है और मीनी क्या है आपका नाउन जस्ट पहले आ रहा है तो क्या हो जाएगा determiner हो जाएगा Clear है सभी को अब इंट्रोगेटिव्स भी आपके क्या होते हैं डिटर्मिनर के पार्ट होते हैं जैसे वॉट विच इनमें ये जो इंट्रोगेटिव्स होते हैं uh, interrogatives में ये सारे वर्ड्स आते हैं एज अ डिटर्मिनर अब आप देखिए इसका यूज कैसे होता है अगर मैंने बोला वॉट कलर डू यू लाइक मैंने पूछा आपसे कि आपको कौन सा कलर पसंद है वट कलर डू यू लाइक तो कलर इज द नाउन है कि नहीं कलर नाउन है नाउन से पहले जो आया? वॉट क्या हो जाएगा आपका डिटर्मिनर हो जाएगा तो इसी तरह से जो हमारे determiners होते हैं, डिटर्मिन ए एन एंड कहलाते हैं आर्टिकल कहलाते हैं सभी को क्लियर है नाउ ए एन एंड द को हम फर्दर कैटेगराइज कर लेते हैं ये किस तरह से कैटेगराइज हुआ है ए एंड को हम क्या कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स ठीक है और द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल ना किसी जब हम कोई जनरल स्टेटमेंट देते हैं बहुत स्पेसिफिक बात नहीं करते हैं किसी भी जनरल बंदे को जनरल चीज को रेफर करने के लिए हम जिस आर्टिकल का यूज करते हैं वो होता है ए एन और किसी पर्टिकुलर चीज को जब हम किसी चीज को पर्टिकुलराइज करने की कोशिश करते हैं तो हम उसके लिए किस चीज का यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल दैट इज द का यूज करते हैं इज इट क्लियर टू ऑल ओके नाउ लेट्स लर्न द यूज ऑफ द इंडेफिनिट आर्टिकल्स हम कैसे कैसे इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं ये सभी को क्लियर है कि नहीं कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं और क्यों उनको इंडेफिनिट बोलते हैं The words 'a' and 'an' are called indefinite articles. Why so? इनको क्यों indefinite articles कहते हैं Because they do not point to any special person or thing. ये किसी भी specific, किसी भी special, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को रेफर नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम इनको क्या बोलते हैं Indefinite आर्टिकल बोलते हैं ठीक है ठेके? क्यों क्योंकि ये जनरली जनरल थिंग्स को रेफर करते हैं इसलिए इनको हम indefinite आर्टिकल बोलते हैं Now, इनका यूज कैसे करते हैं एज अ जनरल रूल ए और एन इज यूज बिफोर नाउन विच इज काउंटेबल वेन इट इज और थिंग किस तरह से इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं जो हमारा जनरल रूल है वो ये कहता है कि जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं और वो सिंगुलर फॉर्म में है जैसे अब एंड apple, ठीक है जिसको ऐसा नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में हो और जिसको हम काउंट कर सकते हैं तो उसके साथ हम इनडेफिनेट और जो जनरल बात कर रहा हो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात नहीं कर रहा हो उसके लिए हम किस चीज़ का कर यूज करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि अकाउ इज एन एनिमल अकाउ अब या ये भी तो है जब हम ए और एन का यूज करते हैं तो ये तो सभी लोगों ने सुना होगा कि कहां पे ए का यूज होगा और कहां पे का यूज़ हो ए का यूज़ हम कहां पे का का होगा हम करते हैं जो भी हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं उनके साथ हम ए का यूज करते हैं अ का यूज करते हैं और जो हमारे वर्ल्ड साउंड्स होते हैं वर्ल्ड साउंड्स कौन कौन से होते हैं ए आई ओ यू तो जो भी इन फाइव लेटर्स से जो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं एन का यूज करते हैं अ कैट कैच अ माउस अ कैट क क प्रोड्यूस हो रहा है? उसमें कहीं भी ए ई आई ओ यू जैसा नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा इसके साथ हम अ का यूज करेंगे तो अ कैट कैन कैच अ माउस अ हाउस हैज अ रूफ क्लियर है अ मैन कैन लाफ

काउ हैज हॉर्न्स एक काउ के सींग होते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर काउ है जिसके सींग होते हैं वेन वी आर सीज हॉर्स इट मीनिंग दर क्लास तो यानी अकाउ हैज हॉर्स सारे काउ जो गाय होती है एग्जैक्टली exactly, एक्चुअली वो गाय के क्या होते हैं सींग होते ही होते हैं नाउ एन एलिफेंट हैज अ ट्रंक यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि, आ, किसी एक पर्टिकुलर एलिफेंट का ट्रंक होता है जो इंटायर एलिफेंट क्लास है उन सभी के क्या होते हैं ट्रंक होते हैं तो जब भी हम किसी क्लास को एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन से जब हम किसी इंटायर uh, क्लास को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं उसके लिए भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं नेक्स्ट जब भी हम प्रोफेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके साथ भी हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं एन इंजीनियर अ डॉक्टर अ डांसर अ टीचर इज इट क्लियर जब भी हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशन के साथ हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं बिफोर सर्टेन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन फॉर एग्जाम्पल अ डजन हाफ अ डजन अस्कोर से ट्वेंटी अ ग्रॉस अ हंड्रेड अ थाउजेंड अ मिलियन तो इन सारे जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हैं उनसे पहले भी हमारा क्या लगता है आर्टिकल इंडेफिनट आर्टिकल का यूज होता है अब जैसे Uh, before a lot of अ ग्रेट deal of अ ग्रेट many of ठीक है तो इन सब चीज़ों से पहले भी क्या हम आका यूज़ करते हैं वी यूज़ इन आर्टिकल्स इन एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग प्राइस स्पीड रेशियो एक्सेट्रा फॉर एग्जाम्पल फाइव अ के जी हंड्रेड किलोमीटर्स एन आर फाइव टाइम्स अ डे फोर्टी रुपीज़ अ मीटर एंड वी ऑल्सो यूज विद फ्यू

लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग तो इन सारी चीज़ों से पहले हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं आका यूज़ करते हैं इन एक्सक्लमेशंस बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं और हम उसमें एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं तो उसके साथ भी हम आका यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल वॉट अ हॉट डे वॉट अ प्रटीडॉल सच अंस वॉट अ फाइन इनिंग्स ये कैन बी यूज बिफोर मिस्टर मिसिज मिस प्लस सर नेम यानी जब हम किसी भी जनरल बंदे को अगर हम रेफर करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल आ राम हैज कम तो आ राम मीन्स एनी राम कोई भी कोई राम आया था यू आर नॉट श्योर अबाउट हु राम तो आप उसके लिए क्या बोलोगे आराम हैज़ कम फॉर एग्जाम्पल मिस्टर स्मिथ अमिथ अस्मिथ अर स्मिथ मीन्स अ मैन कॉल्ड स्मिथ एंड एम्प्लॉयज दैट द स्पीकर डज नॉट नो हिम यानी कोई भी रैंडम बंदा जो स्पीकर है उस रैंडम बंदे को नहीं जानता है फॉर एग्जाम्पल विच आई अगर जो एग्जाम्पल हमने दिया अगर उसकी बात करें एग्जाम्पल विच आई कोट तो मैंने बोला कि आ राम हैज कम तो आराम मीन्स एनी राम हुम आई डो नॉट नो ठीक है जिसको मैं नहीं जानती हूँ तो उसके साथ हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते नो अब हमने यूसेज समझ लिया कि कहाँ कहाँ पे यूज़ करना होता है इनडेफिनेट आर्टिकल का या आर्टिकल का यूज़ करना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे ज़रूरत ना हो इसका यूज़ ना करना अब जो इंडेफिनिट आर्टिकल है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ नहीं होता है बिफोर अनकाउंटेबल नाउंस सच एज़ एडवाइस फर्नीचर इंफॉर्मेशन न्यूज़ बैगेज लगेज ऑनेस्टी ग्लास वुड आयरन स्टोन पेपर राइस मिल्क टी म्यूजिक मनी एट्सट्रा यानी ये सारी चीज़ें इनको काउंट नहीं कर सकते हैं आप तो इसके साथ हम किस चीज़ का कर यूज करते हैं हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे ही गेव मी गुड एडवाइस यानी हम इसके साथ आर्टिकल का यूज इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे सम मोर एग्जाम्पल सा है टेबल्स आर मेड ऑफ वुड डू यू लाइक मिल्क इन योर टी अ बुक इज मेड ऑफ पेपर दीज

तो जैसे कि अगर कोई खूबसूरत है तो आप उसकी खूबसूरती महसूस कर सकते हो अगर कोई सच्चा है तो उसकी सच्चाई महसूस कर सकते हो खुशी है तो खुशी महसूस कर सकते हो डर महसूस करने की चीज़ है तो इसी तरह से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउंस होते हैं तो उनसे उनके पहले हम इन आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटी इज़ ट्रूथ आई वैल्यू योर फ्रेंडशिप ग्रेटली बिफोर अ कॉमन नाउन इन द सिंगुलर यूज इन जनरल सेंस तो कोई भी एक जो कॉमन नाउन है भले ये सिंगुलर फॉर्म में है लेकिन जब इसको जनरल सेंस में यूज किया जाएगा तो उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे फॉर एग्जांपल एप्पल व्हिच इज अ सिंगुलर नाउन एप्पल तो सिंगुलर ही है पर एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ तो इसके साथ हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड अब

क्राइंग तो एक लड़की को देखा जो कि रो रही थी तो द का यूज आई सॉ अ गर्ल अ गर्ल आई रेफर द गर्ल फॉर द फर्स्ट टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई यूज नाउ आई एम गोइंग टू रेफर इट अगेन द गर्ल वॉज क्राइंग तो जब हमने इसको दोबारा से रेफर किया दोबारा से रिपीट किया तो उसके साथ हम द का यूज करेंगे अ मैन एंड अ बॉय वर वॉकिंग डाउन ऑन अ रोड द बॉय वॉज

पोस्ट ऑफिस इज हाफ किलोमीटर फ्रॉम तो पोस्ट तो तो ऑफिस तो क्या है कहीं किसी भी पर्टिकुलर जगह का जो पोस्ट ऑफिस होता है अगर इस एरिया की बात करें तो यहाँ का पोस्ट ऑफिस जो होगा तो वो यही का होगा एक ही होगा तो जब हम उस पर्टिकुलर चीज को रेफर करेंगे तो उसके पहले हम किस चीज का यूज करेंगे द का यूज करेंगे इज देयर एनीवन इन द किचन कौन सा किचन वो किचन जो घर में है तो कितने किचन होते हैं एक ही होते हैं तो इसके पहले द का यूज होगा प्लीज पास मी द सॉल्ट व्हिच सॉल्ट द सॉल्ट व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द टेबल बिफोर अ नाउन मेड डेफिनेट बाय द एडिशन ऑफ अ फ्रेज और अ क्लॉज तो वो उस नाउन से पहले जिसको डेफिनेट कर दिया गया है एक एक्स्ट्रा फ्रेज या क्लॉज ऐड करके प्लेस वेयर आई हर कौन सी जगह वो जगह जहां उससे मिला द मैन ऑन द हॉर्स कौन सा वाला आदमी वो आदमी जो कि घोड़े पर है द बॉय हु प्राइज वो आदमी सॉरी वो लड़का जिसने प्राइज जीती द ट्रेन लीविंग एट थ्री पी एम विच ट्रेन कौन सी ट्रेन जो आज थ्री पी एम पे चलने वाली है वेन अ सिंगुलर नाउन इज यूज टू इंडिकेट अ होल क्लास जब एक सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं पूरे की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए तो उसके लिए भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल द कुकू इज अ लेजी बर्ड यानी हम एक कुकू की बात नहीं कर रहे हैं पूरे कुकू क्लास की बात कर रहे हैं जो ये होल कुकू बर्ड होते हैं वो क्या होते हैं लेजी होते हैं द ए रिक्शा हैज बिकम अ पॉपुलर व्हीकल

एज द फॉलोइंग हम जब द मोर द मेरियर द फ्यूअर द बेटर द मोर वन हैज द मोर वन वर्ब का यूज करते हैं तो उससे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं द मोर द मेरियर जितना ज्यादा है उतने ज्यादा खुश हैं। द फ्यूअर द बेटर जितना कम हो उतना अच्छा है द मोर वन हैज द मोर वन वर्ड्स किसी के पास जितना ज्यादा होता है उसको और ज्यादा चाहिए होता है बिफोर नेम्स ऑफ रिवर्स सीज एंड ओशंस माउंटेन्स रेंजेस ग्रुप ऑफ आईलैंड प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज तो हम इन सारी चीज़ों के साथ भी कौन कौन से रिवर्स हो गए सीज हो गए ओशंस हो गए माउंटेन रेंजेस हो गए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो गए प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज इन सब के साथ डेफिनेट आर्टिकल दूस कर करते फॉर एग्जाम्पल द गैंग द इंदस द थेम्स द एटलांटिक ओशन द रेड सी द हिमालयाज The आल्प the ब्रिटिश the द अंडमान the नीदरलैंड द यू the ए द यूनाइटेड किंगडम द यू एज इट क्लियर इन सब के साथ हम किसी का डेफिनेट आर्टिकल दूस करते हैं there is a note. जब हम माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं तो उनके साथ हम यूज करते हैं पर जब हम इंडिविजुअल माउंटेन्स की बात करते हैं तो इंडिविजुअल माउंटेन्स the do not have the प्लेस बिफोर them. इंडिविजुअल माउंटेन्स के साथ हम दौ का यूज़ नहीं करते फॉर एक्जाम्पल माउंट एवरेस्ट माउंट आबू माउंट ब्लैंक द इज नेसेसरी इफ द नेम ऑफ द कंट्री इज पेयर्ड विद द वर्ड किंगडम रिपब्लिक यूनाइटेड और फेडरेशन जब हम कंट्रीज के सेंस में बात करते हैं तो अगर किसी भी कंट्री के नाम के साथ किंगडम लगा हुआ है रिपब्लिक लगा हुआ है यूनाइटेड लगा हुआ है और फेडरेशन लगा हुआ है तो उसके साथ हम द का यूज करते हैं द किंगडम ऑफ मैकडॉन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया द फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स इन सब चीज़ों के साथ हम दौका यूज करते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन वेल नोन बुक्स कुछ वेल नोन बुक्स होते हैं उनके साथ हम दौका यूज करते हैं क्यों क्योंकि ये दे आर यूनिक द बाइबल द कुरान द एलेड जब हम इंडिविजुअली इन बुक्स को रेफर करते हैं तो उसके साथ हम दौका यूज करते हैं पर जब हम उनके राइटर्स के साथ अगर हम बोलते हैं या किसी पर्टिकुलर इंसान के एज अ पॉजिटिव हम जब इस चीज़ को मेंशन करते हैं तो हम कैसे बोलते हैं जैसे होमर्स एलियाड वॉलिकीज रामायण बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़ पेपर्स मैगजींस एट्सट्रा तो न्यूज़ के नेम से पहले या मैगजीन के नेम से पहले हम का यूज़ करते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया द हिंदुस्तान टाइम्स द मॉडर्न लैंग्वेज रिव्यू द लंडन टाइम्स और कहाँ कहाँ द का यूज़ करते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स इंस्टीट्यूशंस एसोसिएशन एट्सट्रा जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं या इंस्टीट्यूशन हैं या एसोसिएशन हैं उनसे पहले भी हम द का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल द ताजमहल द नेशनल म्यूजियम द यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन द यूनाइटेड नेशंस द ब्रिटिश म्यूज़ियम बिफोर द नेम्स ऑफ पीपल्स या नेशंस फैमिलीज एंड एक्टिव फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउंस ना जब किसी की प्रॉपर नाउन से जब क्या हो जाती है खासियत हो जाती है उनकी खासियत बन जाती है तो उसके लिए भी हम उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं जैसे द इंग्लिश लैंग्वेज द बात द फ्रेंच द चाइनीज द नेहरूज दू वर्ड्स नोट द इंग्लिश बट इंग्लिश मैन द फ्रेंच बट फ्रेंच मैन द स्पेनिश बट स्पानी आर्ट्स द आयरिश बिशम यानी हम जब हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द काश्मीज तो इसका मतलब सम वन बिलोंग टू नेहरू बिलोंग्स टू द फैमिली नेहरू इट बिफोर ऑर्डिनल एंड सुपरलेटिनेस क्या होते हैं हमारे जब भी हम नंबर को शो करते हैं नंबर को हम दो तरह से शो कर सकते हैं पहला हमारा होता है कार्डिनल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आर कार्डिनल और होता है हमारे नंबर को हम किस तरह से शो करते हैं जब हम रैंक जिससे हमारा पता चलता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तो ऑर्डर पता चल रहा है ना ऑर्डर हो जा रहा है फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड फोर्थ तो ऑर्डिनल यानी जैसे ऑर्डर रिप्रेजेंट होता है ऐसे नंबर्स उनके उनके पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना होता है। फॉर एग्जांपल द 15th ऑफ ऑगस्ट ऑन द थर्ड ओकेजन द फिफ्थ टाइम 15th क्या है आपका ऑर्डर शो कर रहा है तो द 15th हो जाएगा द थर्ड हो जाएगा और द फिफ्थ हो जाएगा उसी तरह से जब हम सुपरलेटिव्स की बात करते हैं सुपरलेटिव्स super, क्या होता है जब हम किसी भी एडजेक्टिव की बात करते हैं उसे तीन तरह से हम शो कर सकते हैं किस तरह से पहले तो आपने सिंपली कह दिया कोई चीज़ अच्छी है फिर कह दिया कि ये उससे अच्छी है कोई चीज़ उस चीज़ से अच्छी है देन ये सबसे अच्छी चीज़ है फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ गुड बॉय गुड आपका क्या है सिंपल फॉर्म है देन ही इज़ बेटर देन राम वो राम से राम से अच्छा है देन यू आर सिंग ही इज़ द बेस्ट बॉय तो वो सबसे अच्छा है तो जब भी हम बेस्ट की बात करेंगे या कोई भी जब सुपरलेटिव की बात करेंगे उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे फॉर एग्जाम्पल टुडे इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द मंथ आज जो आज का दिन पूरे मंथ में सबसे ज़्यादा गर्म दिन है दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल बुक ऑन द सब्जेक्ट ये जो है सबसे ज़्यादा खूबसूरत बुक है सबसे ज़्यादा यूजफुल बुक है एक्चुअली यूजफुल फ़ायदेमंद बुक है उस सब्जेक्ट पे दिस इज़ द लीस्ट यूजफुल और ये सबसे कम यूजफुल है बिफोर अ प्रॉपर नाउन बट ओनली वेन इट इज़ क्वालिफाइड बाई एन एडजेक्टिव और बाई अ फ्रेज और क्लॉज यूज एज एन एडजेक्टिव तो हमको कभी भी जब प्रॉपर नाउन है और उससे पहले एक एडजेक्टिव एडेड है तो उससे पहले हम द का यूज कर सकते हैं प्रॉपर नाउन के साथ फॉर एग्जाम्पल द इमोटर शेक्सपियर द वाई सोलोमन द फेमस नेपोलियन द ग्रेट सीजर अब बिफोर एन एडजेक्टिव यूज एज अ नाउन जब हमारा एक एडजेक्टिव नाउन की तरह यूज़ होता है या ये कह सकते हैं कि जब एक एडजेक्टिव से हम एक पूरे क्लास को रिप्रजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दौका यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल द रिच और टू हेल्प द पुअर यानी जो अमीर लोग हैं उनको गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए तो हम यहाँ पे जब द रिच की बात करें तो वी वी आर टॉकिंग अबाउट इंटायर रिच कम्यूनिटी जब हम यहाँ पे गरीब की बात करें द पुअर की बात करें तो इट्स नॉट ओनली वन पुअर वी आर टॉकिंग अबाउट इंटायर पुअर जो भी पुअर पीपल हैं उन सब की बात कर रहे हैं बिफोर कॉमन नाउंस ऑफ विच देर इज़ ओनली वन जो भी हमारी यूनिक चीज़ें हैं जो अपने तरह की एक हैं उस जैसा दूसरा कोई नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल दन द मून द अर्थ क्या है दो तो एक और सन है एक और मून है नहीं है एक ही सन है एक ही मून है एक ही अर्थ है द स्काई द नॉर्थ पोल द वेदर द पोल स्टार तो ये सारे क्या हैं अपने आप में एक ही हैं यूनिवर्सल हैं अपने आप में इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है बिफोर द नेम्स ऑफ शिप्स एंड ट्रेन शिप्स और नेम ट्रेन के नेम से पहले भी यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल द क्वीन एलिजाबेथ इज फेमस ब्रिटिश लाइनर द हिमालयन क्वीन रन्स फ्रॉम दिल्ली टू शिमला एवरी डे ठीक है तो हम शिप्स के नेम के साथ और ट्रेन के नेम के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नोट द फॉलोइंग स्पेशल यूसेजेज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड द लेक ऑफ जिनेवा, द जर्मन लैंग्वेज सो दीज आर द स्पेसिफिक सम स्पेशल यूसेज ऑफ द आर्टिकल द नौ द क्वेश्चन कम्स ओमिशन ऑफ द आर्टिकल कहाँ कहाँ पे ओमिशन जरूरी है ओमिशन का मतलब होता है छोड़ना कहाँ कहाँ पे यूज़ नहीं करना जरूरी है बिफोर कॉमन नाउंस यूज इन द वाइडस्ट सेंस जब कॉमन नाउंस हमारे वाइडेस्ट सेंस में यूज होता है जब हमारे जनरल नाउंस कॉमन नाउंस जो हैं वाइडेस्ट सेंस में यूज होता है तो उसके लिए हम हमको मस्ट है कि हम डेफिनेट आर्टिकल द को या एनी आर्टिकल को ओमिट करें एग्जाम्पल नाइट इज एज ब्यूटिफुल एज डे नाइट एंड डे बोथ आर कॉमन नाउन्स और द बोथ आर बींग यूज इन वाइड एस्ट सेंस तो इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे बिफोर प्रॉपर नाउन्स प्रॉपर नाउन्स जो कि हमारे पर्टिकुलर नेम्स होते हैं उनसे पहले भी हमें आर्टिकल को ओमिट करना होता है हम उनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मुंबई इज अग सिटी विकांड से द मुंबई इज अग सिटी इट इज़ नॉट पॉसिबल अकबर वॉज अ वाइस किंग अकबर क्या हमारा प्रॉपर नाउन है उससे पहले हम द प्लेस नहीं कर सकते हैं अब एक चीज है जो कि आपको ध्यान में रखना है कॉमन नाउन जब भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं प्रॉपर नाउन से पहले तो वो प्रॉपर नाउन हमारा क्या हो जाता है कॉमन नाउन हो जाता है फॉर एग्जाम्पल ही इज द न्यूटन of our day that is as अ scientist as Newton was वॉज yani, यानी कोई अगर हम क्या करते हैं हम किसी को आ, किसी की क्वालिटी किसी की खासियत बताने के लिए या किसी को कंपेयर करने के लिए अगर आ, किसी चीज़ में कोई गुड है तो उसको कंपेयर करने के लिए एक रिनाउंड पर्सनालिटी से जब हम कंपेयर करते हैं तो उसके लिए हम द का यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल ही इज़ अ न्यूटन ऑफ़ आवर डे तो यानी वो साइंस में इतना अच्छा है कि वो उसका कंपेयर ही कैन बी कंपेयर विद न्यूटन अब इसी तरह से अगर हम बोले कि कोई बहुत ज्यादा अगर बहुत ज्यादा सीधा है बहुत ज्यादा uh, उसके अंदर नॉन वायलेंस है तो हम ये कह सकते हैं कि ही इज द गांधी ऑफ आर क्लास इट मीन्स ही पजेज द क्वालिटी ऑफ गांधी इजेंट इट नाउ ही इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया यानी शेक्सपियर हमारे क्या थे राइटर थे तो दैट इज़ एज ग्रेट ड्रामेटिस्ट एज़ शेक्सपियर वॉज यानी इतना अच्छा वो ड्रामेटिस्ट थे राइटर थे तो वो इतना अच्छा है कि उनका कंपैरिजन जो भी इंडिया में कोई अगर बंदा है इतना अच्छा है कि उस उनका कंपैरिजन शेक्सपियर से किया जा सकता है तो जब हम उनकी खासियत वी आर जस्ट कंपेयरिंग एनी इंडिविजुअल और कॉमन मैन विदेक्सपीयर तो उनकी वर्चुअस को जब हम उसमें रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुत अच्छा गाता है तो आप क्या कहेंगे शी इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर कॉलोनी यानी वो इतना अच्छा हमारी कॉलोनी में जो लड़की है वो इतना अच्छा गाती है कि शी कैन बी कंपेयर्ड विद लता मंगेशकर क्वालिटी ऑफ लता मंगेशकर मुंबई इज द लंडन ऑफ द ईस्ट दट इज मुंबई एजी इज एज ग्रेट एज लंडन नाउ नोट वेन एन एब्स्रैक्ट नाउन इज क्वालिफाइड बाई एन एडजेक्टिव एडजेक्टिव फ्रेज और जब भी हमारा एब्सट्रैक्ट नाउन में एडजेक्टिव होगा या एडजेक्टिव फ्रेज होगा या एडजेक्टिव क्लॉज होगा तो इसके साथ हम का यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेवरी ऑफ द विजडम विच ही शोड वॉज प्रेज वर्दी जो जहनीत उसने जाहिर की वो क्या था काबिल तारीफ थी दर्चू ऑफ दिस मशीन लाइज इन इट्स सिंपलिसिटी इस मशीन की जो क्वालिटी है जो खासियत है इसकी सिंप्लिसिटी ही है नाउ बिफोर मटीरियल नाउंस हम द का यूज नहीं करते हैं एग्जाम्पल गोल्ड इज अ मेटल। वी कांट से द गोल्ड इज अ प्रोशियस मेटल प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटीरियल बट वी कैन से द गोल्ड दैट आई बॉट इज नॉट ऑफ प्योर क्वालिटी जब हम किसी चीज को स्पेसिफाई करेंगे वो गोल्ड जब हम पर्टिकुलराइज करेंगे वो गोल्ड जो मैंने खरीदी है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है वो प्योर नहीं है तो उसके लिए हम दा का यूज करेंगे द प्लास्टिक यूज टू मेक प्लेट्स इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वो प्लास्टिक वो पर्टिकुलर प्लास्टिक बहुत तरह की प्लास्टिक होती है बट वो पर्टिकुलर प्लास्टिक जिसका यूज प्लेट्स बनने में किया जाता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है बिफोर टाइटल्स यूज बिफोर प्रॉपर नाउन्स वहाँ पे भी हमको ओमिट करना होता है किंग जॉर्ज सिक्स नॉट द किंग जॉर्ज सिक्स लॉर्ड वेलिंगटन प्रोफेसर घोष सेंट पॉल इन सब के पहले हमें आर्टिकल को ओमिट करना होता है बिफोर नेम्स ऑफ प्लेसेस एंड मार्केट्स देर आर मेनी शॉप्स इन कनॉट प्लेस अब हम यहाँ पे द कनॉट प्लेस नहीं कह सकते हैं चांदनी चौक इज okay. डेली खाने का नाम के करेंगे, तो हम उसके पहले भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे ब्रेकफास्ट हम द ब्रेकफास्ट नहीं बोल सकते हैं वेन डू यू हैव लंच हम जब हम नेम ऑफ मील की बात करें तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल और आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे के से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल का भी यूज नहीं करते हैं यहां पर हमको आर्टिकल ओमिट करना होता है छोड़ना होता है आई प्ले फुटबॉल हॉकी क्रिकेट एंड टेनिस नॉट द हॉकी द क्रिकेट और द टेनिस प्लेज बैडमिंटन वॉलीबॉल एंड फुटबॉल नॉट द बैडमिंटन द वॉलीबॉल, द फुटबॉल वी समाइम्स प्ले चेस एंड कार्ड्स नॉट द चेस और द कार्ड्स बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस के नेम से पहले भी हम द का यूज नहीं करते हैं द पीपल ऑफ फ्रांस स्पीक फ्रेंच वी कांट से हि द फ्रेंच इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड वी कांट से द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड अगर हम द का यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा इन सर्टेन एक्सप्रेशन लाइक ऑल डे एंड ऑल नाइट ही वर्क हार्ड ऑल डे नॉट ऑल द डे ठीक है जब हम ऑल डे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम द का यूज नहीं कर सकते हैं इफ वी यूज तो ये गलत हो जाएगा द नर्स अटेंडेड टू द पेशेंट ऑल नाइट नॉट ऑल द नाइट If you use this, it will make it wrong. But we say in the morning, in the evening, in the afternoon, in certain phrases consisting of a noun as the object of a verb. We leave home at 7 o'clock. Her clothes caught fire. She sent word that she was coming. Give ear to what your teacher says. He took offense at my remark.

But we always say, go to the office, go to the cinema, or go to the theatre in certain phrases consisting of a preposition followed by a noun by hand, by land, by sea, by water, by river, by steamer, by rail, by bus, by aeroplane, by train, by night, by day, on foot, on sail, on horseback, on deck, at fault, at ease.

Thank you, students. In this lecture, you learnt what are articles, usage of articles, kind of articles, and omission of articles. So here, with this, your article topic completes, which is a part of determiner. Now, many more topics of determiner is left. So we'll cover those topics. That is, demonstratives, possessives. So, we will cover all those parts of determiners one by one in our upcoming lectures. Thank you, students.